माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल हब। मेमोरी बेस्ड बॉक्स पजल जो आपके इंडियन बैंक पीओ प्री में पूछा गया था 6th of October को, राइट, उसी बॉक्स पजल पे आज हम सब बात करने वाले हैं। यह मेमोरी बेस्ड बॉक्स पजल होगा, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन होगा तो बिल्कुल आप सब घबराइएगा नहीं, लेकिन एक्चुअली आपका इसी तरीके का पजल आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, पजल आपका कुछ ऐसा था कि 10 boxes बताया गया था, एक स्टेक में रखा हुआ था फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप पोजिशन को आपका बताया जा रहा था 10th है और बॉटम पोजिशन को बताया गया था नंबर 1 है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन था और मूव करते हैं, देखते हैं इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको यह बनाना चाहिए। तो काफी आसान था, राइट, पहले आप इसे खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए, 10 boxes में आपका जो बॉक्स है वो जे तक बताया जा रहा है। अब देखिए क्या बताया गया कि ए इज 4th फ्रॉम द बॉटम। अगर 10th पोजिशन आपका टॉप पे बताया गया तो 9 होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1 ये बताया गया। फोर्थ पोजिशन बॉटम से मतलब क्या, ए कंफर्म हो जाएगा आपका, जब भी होगा तो ये पोजिशन होगा। एंड 2 boxes बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आपका 2 box बताया जा रहा है, तो ए का पोजिशन अगर यहां है तो ऑब्वियस है कि एक पोजिशन बी का यहां बन सकता है, या फिर आप दूसरा अगर लें तो आपका ए अगर यहां है तो बी का पोजिशन 2 छोड़ो आपका कहां, यहां बन सकता है। तो 2 possible cases ऐसा आपका बन रहा था, ठीक है। फिर देखिए क्या बताया, द नंबर ऑफ द बॉक्सेस बिटवीन एच एंड सी इज सेम एज द नंबर ऑफ, अच्छा उसके बाद देखिए ये 3 box बिटवीन बी एंड सी, ये आपको बताया गया था, तो टोटल 3 boxes होना है, तो सी का पोर्शन इस केस में तो यहां बनेगा, और इस केस में देखिए ऊपर नहीं जा सकता, तो सी का पोर्शन कहां बनेगा आपका, यहां बनेगा, तभी आपका 3 boxes बिटवीन बी एंड सी ये सेटिस्फाई होगा, ये क्लियर है। फिर आपको बताया गया था कि द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में जो आपका नंबर ऑफ बॉक्स बनेगा वही सेम नंबर ऑफ बॉक्स किसके बीच में बताया जा रहा है, सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन सी एंड आई। मतलब क्या, सी और आई के बीच में जो बॉक्स का नंबर बनना है वह सेम आपका कहां पर बनना है, एच और सी के बीच में, तो कॉमन टर्म आपका क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो थोड़ा बहुत आपका ऑल्टरेशन मिलेगा वो आपको यहां आगे से मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट पजल बहुत मुश्किल होता है आप सबको प्रोवाइड करना, लेकिन फिर भी कोशिश रहता है कि आप सबको अच्छा, मतलब एक सही तरीके का पजल प्रोवाइड किया जाए। देखिए क्या इंफॉर्मेशन कि एच इज प्लेस समवेयर बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में ही आपका कहीं एच का पोजिशन बनना है, तो इस केस में तो 2 पोजिशन बन सकता है, या तो यहां या तो यहां, और यहां पर फिर आप देखें तो यहां पर भी 2 पोजिशन बन सकता है, मतलब यहां या फिर यहां, ये कंफर्म हो गया। फिर क्या बताया गया आपको कि ईच प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्टैक। देखिए जैसे आप बताएंगे कि ई का पोजिशन आपका टॉप पोजिशन पे होगा दोनों ही पोजिशन में, दोनों ही पॉसिबल केस में आपका यहां पर ई बन जाएगा। And there are 5 boxes between J and D. J और D के बीच में आपका टोटल जो 5 box बताया गया, तो D का पोर्शन या J का पोर्शन जहां भी बने doesn't matter. फिर बताया गया आगे आपको box D is above box J, मतलब जो पोजिशन D का बनेगा हुआ क्या ऊपर बनना है आपके किसके, J के पोर्शन से, तो एरो मार्क हम लोगों ने लगा दिया। box F एंड जी इज एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब क्या, एफ और जी जो है वह एक दूसरे के एडजेसेंट पोजिशन पे होगा, वेयर बॉक्स एफ इज एट ऑड नंबर ऑफ द स्टैक। देखिए बॉक्स एफ के बारे में बताया जा रहा है कि पोजिशन जो होगा वो आपका कहां होना है, ऑड पे होना है। अब देखिए हम लोगों को अब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक इंफॉर्मेशन था कि एच का पोजिशन या तो यहां, क्यों ना आपको बिल्कुल सिंपल यह बना दिया जाए, अगर बी यहां है तो आपका एक कंडीशन क्या होगा कि एच यहां बन जाएगा, एक कंडीशन कहां होगा, एच यहां बन जाएगा, क्योंकि बी और सी के बीच में ही आपका एच का पोजिशन बनना है। आपने देखा एच और सी के बीच में जो होना है नंबर ऑफ बॉक्सेस वही सी और आई के बीच में होना है, क्या है सी, एच और सी के बीच में यहां पर 1 है, मतलब सी और आई के बीच में भी 1 होगा, तो आई आपका कंफर्म यहां होगा। इस केस में आपका क्या बन सकता है, सी और एच के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 है, तो सी और आई के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस भी आपका 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए एच का पोजीशन हम लोगों ने क्या देखा, 2, अगर एच यहां पर होता है तो सी और एच के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 होगा, मतलब सी और आई के बीच में भी नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 होना होगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे नहीं हो सकता है, मतलब एक ही कंडीशन बचा कहां, यहां पर। अब सी और एच के बीच में 1 है, मतलब सी और आई के बीच में भी 1 होगा, क्योंकि देखिए सी और बी के बीच में ही आपका एच का पोजीशन बनना था, ये क्लियर था। अब आपको क्या बताया गया कि एफ और जी जो है वो एडजेसेंट पोजीशन बनेगा, और एफ जो है वो कोई ऑड पोजीशन पे होना है। एडजेसेंट का पोजीशन आपके पास देखिए यहां पर बिल्कुल बन रहा है, और ऑड पोजीशन आपके पास 9 है और 8, तो ऑड आपके पास क्या बचा, 9, तो यहां पर आपका एफ बन जाएगा, रेस्ट आपका बचा क्या, जी।
अब बताया गया था आपको जे और डी के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 5 होना है और जे से ऊपर डी होना है। क्या आपके पास कोई भी ऐसा पोजीशन बचा? यहां पर देखिए बचा हुआ और यहां पर, तो 5 बॉक्स तो कभी नहीं हो सकता, मतलब आपका ये केस जो है ये गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में देखिए एफ और जी एडजेसेंट कहां पर हो सकता है, एक कंडीशन यहां हो सकता है, दूसरा कंडीशन आपके पास कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, लेकिन इसको छोड़कर फिर कहीं नहीं होगा। इस कंडीशन में भी आपके पास क्या एफ और जी, बस यहां पर बन रहा है। एफ और जी अगर यहां होता है तो आप क्या बताएंगे कि यहां पर फिर से आपका कंडीशन जे और डी वाला नहीं होगा और ये भी गलत हो जाएगा। रेस्ट आपके पास ये बचा, चलिए एफ और जी यहां पर रखें या फिर यहां पर रखें, आपको जे और डी सेटिस्फाई करना होगा। जे और डी के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 रखना है आपको, क्लियर है? अगर आप यहां पर रखते हैं, सबसे पहले यहां सोच लीजिए कि अगर आप और ये 5 दे देते हैं, F दे देते हैं और फिर ये अगर आपका G का पोर्शन बनता है, तो J और D बीच, J और D में आपका टोटल नंबर ऑफ बॉक्स 5 होना है। J या D और D आपका ऊपर होना है। अगर D आप यहां रखते हैं तो देखिए 1 2 3 4, या आपका 1 2 3 4 5 का बॉक्स कभी नहीं बनेगा। आप अगर किसी भी सिचुएशन में F का पोर्शन यहां बनाते हैं तो ये क्या आपका गलत हो जाएगा। मतलब एक बात तो क्लियर है कि F कभी भी आप क्या टॉप मोस्ट पे नहीं बन सकता, या फिर टॉप मोस्ट नहीं, 9th पोजीशन पे नहीं बन सकता। मतलब अब आपके पास एक ही बचा है एफ और जी के लिए। अगर एफ और जी आप यहां रखते हैं तो आपको एफ यहां रखना पड़ेगा क्योंकि ऑड है और जी का सिचुएशन यहां बनेगा। अब आपको क्या पता है जी और डी के बीच में नंबर ऑफ बॉक्सेस 5 है और ऊपर बनना है आपका कौन, डी, तो कहां पर हो सकता है? देखिए एक तो आपको यहां रखना ही होगा और यहां पर आप जे रखते हैं तो 1 2 3 4 5 और यहां पर आपका क्या डी बन जाएगा। और ई का पोर्शन हम लोगों को पता था कहां, यहां पर बनना है। मतलब देखिए अगर हम लोग स्टार्टिंग में ये ई का पोर्शन कंफर्म कर देते तो ये एफ वाला भी सिस्टम आपका खत्म हो जाता और डायरेक्टली ये सवाल बन जाता। तो हम लोग यहां पर थोड़ा लैग किए लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुत जल्दी यह पजल आपका बन गया। तो कोई इस तरीके का आपका पजल, बॉक्स पजल आपका फाइनल सॉल्यूशन के साथ। वहां पर तो यही था लेकिन थोड़ा बहुत आपका ऑल्टरेशन था, थोड़ा बहुत डिफरेंट था, लेकिन जो आपका पजल आ सकता है, किस तरीके का पजल आपके प्री में पूछा गया था, ये तो बिल्कुल आप लोगों को पता चल गया होगा और उसका फाइनल सॉल्यूशन भी आपके उस पजल का यही आ रहा था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए बिल्कुल क्लियर होगा और आप सब बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे। तो चलिए ऐसे ही करते रहिए और हम सब फिर मिलते हैं कुछ अच्छे और भी क्वेश्चंस के साथ।